राजधानी दिल्ली के मदनगिरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई कि जिस वक्त एक युवक पर चाकू से लगातार वार किए गए। युवक को करीब 18 बार चाकू से गोदा गया। जान बचाकर मृतक युवक बाजार में भागता हुआ एक दुकान के बाहर गिरा। जिस दुकान के बाहर युवक गिरा था, उसी दुकान पर मृतक युवक मनीष काम किया करता था। वारदात के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या की इस वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान मनीष के रूप में हुई है। मनीष एक जूते चप्पल की दुकान पर काम किया करता था। वहीं कुछ लोग उसे दुकान पर बुलाने के लिए आए। जब वह उनके साथ गया तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद मनीष पर लगातार चाकू से वार किए गए। जानकारी मिलने के बाद अंबेडकर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कुछ घंटे बाद मनीष के परिवार को इस मामले की जानकारी दी गई। मनीष की हत्या के बाद मनीष की मां का बुरा हाल है। आंखों का पानी सूखता नहीं, जैसे ही बेटे की याद आती वैसे ही आंख भर जाती है। परिवार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सही से कार्यवाही नहीं की है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह नाबालिग नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक बालक व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इसमें से तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। परिवार इस मामले को लेकर जब थाने जाता है तो परिवार से कोई भी पुलिसकर्मी सही से बात नहीं करता। परिवार का कहना है कि मृतक मनीष 10 साल से उसी मार्केट में काम कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे चाकू से गोद दिया, जिसके चलते मनीष की मौत हो गई। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। मुझे क्या हुआ आपके भाई को? मैं तो उस दिन मंगलवार को रात को मैं ड्यूटी से आया। रात को मैंने खाना खा पी के बैठा था मैं घर पे, तो मेरे पास फ़ोन आया था। जो मनीष के साथ एक दोस्त काम करता है उसकी वाइफ का फ़ोन आया था मेरे पास, तो उसने बताया कि आपका भाई एडमिट है हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में, उसके चाकू लगे हैं और वो ठीक है। मतलब हमें ये बताया गया था, लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वो डॉक्टरों ने बता दिया कि वो मृत है। फिर वहाँ से उसे रेफर कर दिया वहाँ के एम्स के लिए। क्या कौन लोग थे जिन्होंने चाकू मारा और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? लोगों का तो कुछ पता भी नहीं है अभी तक। दिल्ली पुलिस ने दो लड़के पकड़े हैं, जिसमें से एक बालिग है और एक नाबालिग बताया गया है और एक फरार है। लेकिन हमें इसी चीज का पता नहीं है कि किसे पकड़ा है किसे नहीं पकड़ा, हमें नहीं बताया गया। ना कुछ बताया, लड़कों की फोटो दिखाई है, ना कुछ दिखाया, कुछ भी नहीं बताया हमें। हमें तो बिल्कुल वंचित रखा हर चीज से। क्या कोई दुश्मनी आपके भाई की किसी के साथ? नहीं, दुश्मनी तो कोई सवाल ही नहीं उठता, दुश्मनी का तो कुछ भी सवाल नहीं उठता उसका। क्या काम करते थे? वो एक जूते चप्पल की दुकान पे काम करता था, फुटवेयर, कृष्णा फुटवेयर नाम से दुकान है सेंट्रल मार्केट में, उसी पे काम करता था। नाम बताएंगे? गोविंद जी। क्या हुआ आपके बेटे के साथ और कब हुआ है? मंगलवार को जी। क्या हुआ था? मर्डर हुआ उसका। अच्छा, आपको कब पता लगा और दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? मैं तो घर पर ही था, मुझे पता भी नहीं इस बारे में कुछ भी। अच्छा, क्या फोन आया मेरे पास में, तब पता लगा कर मनीष का एक्सीडेंट हो गया है, चाकू मार दिया मनीष को। तब बाय फोन सब लोग करे, मैंने घर पर, मैं घर पर अकेला था, मैं नहीं जा पाया, नहीं जाता था। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? अभी तो आवाज हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कहाँ जा रहा है कि दो लोगों को पकड़ा भी गया है? हाँ, ये सुनने में आ रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि दो लोगों को पकड़ रखा है, पता नहीं कौन किसको पकड़ रखा है। अभी लड़के हैं सारे, उसी की याद होता है सारे। नाम बताओ आपका? नाम सत्यवती। सत्यवती, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा सेंट्रल मार्केट में काम करने जाता था, वही मर्डर हो गया मेरे बेटे का। कोई बुला के ले गया, वही कूड़ेदान के पास जाके मर्डर कर दिया। मेरे बेटे को बेकसूर मार दिया है। हमें तो अपने बेटा के लिए कुछ नहीं, सब चाहिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या मदद आई? कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया, ना कोई मीडिया वाला आया, ना कोई पुलिस वाला आया। बहुत दर्दनाक मौत मारा मेरे बेटे को, बेकसूर मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें पता नहीं किसने मारा, क्या हुआ, हमें सब कुछ पता तो होना चाहिए कि क्यों मेरे बेटे को मारा, क्या कसूर था। क्या करते थे आप? शॉप पे काम करता था, जूता चप्पल की शॉप पे।
अच्छा कितने टाइम से काम कर रहे थे? वो तो अभी फिलहाल में लगा था, लेकिन उस मार्केट में वही पास में 10 साल से काम कर रहा था। पूरी मार्केट उसको जानती है कि वो कैसा लड़का था। कोई गलती नहीं थी, बेकसूर मारा मेरे बेटे को। आपको कब पता लगा? हमें पता कम से कम 1-1.5 घंटे बाद पता लगा। 1-1.5 घंटे बाद बताया कि तुम्हारे बेटे को किसी ने चक्कू मार दिया है। तो हम गए जब वहाँ पे, तो हमें वहाँ कुछ नहीं मिली, दुकान बंद थी और बेटे को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। वहाँ पे ब्लड पड़ा था, पुलिस वाले कह रहे जाओ वहाँ पे, कोई तुम्हारे बेटे को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है। तो मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ तो खत्म हो चुका था, उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस का क्या कार्रवाई? कुछ भी, वो कुछ नहीं एक्शन ले रहे पुलिस वाले, कुछ नहीं कह रहे। हाँ हम कर रहे कार्रवाई, कल भी बैठे बैठे थाने में आ गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है कोई चीज। कितनी देर तक बैठ रहे थाने? हम लोग तो काफी देर 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई यहाँ पूछने आया कि तुम्हारा बेटे कैसे गया क्या हुआ, कुछ भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया किसी चीज का। आप जाइए अपने बेटा का क्यों मारा, हमारे बेटा को क्या कसूर था? कसूर तो पता चले कि क्यों मारा है।